इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। मैं विवाह के पहले ही ये चली गई, क्या किया जाए। कहानी को बड़े अच्छे से समझना, क्योंकि इसके बाद इसका सारांश तुम्हारे दिमाग में आएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्योंकि हम कहां पहुंच गए। विचार करके रखना, पुत्री का जब शरीर में से प्राण निकल गए, चारों युवराज बहुत दुखी हुए। चारों युवराज जब बहुत दुखी हुए, चारों लोग बहुत दुखी हुए, चारों युवक बहुत दुखी हुए, उन्होंने क्या किया जाए। एक युवराज था, उसने कहा अगर अब ये नहीं मिली तो दूसरी शादी कर ली, ये नहीं तो और कोई। आप विचार करके रखना, पहला युवक ने जाकर दूसरी शादी कर ली, उसने कहा अब ये नहीं मिली, अब ये गई तो चलो दूसरे से कर लो, तो अपन कुमारी रह जाएंगे। दूसरा युवराज था, उसने कहा अब ये नहीं मिली तो अब मेरे जीवन में और कोई नहीं आएगी, वो सन्यासी हो गया। उसने सन्यास को धारण कर लिया, उसने कहा मैं अपनी सन्यास की साधना से ऐसा मंत्र सिद्ध करूंगा कि इसको जिंदा करूंगा। उसे दफना दिया गया था, मैं अपनी मंत्र साधना से ऐसी सिद्धि करूंगा कि इसको जिंदा करूंगा, लेकिन विवाह करूंगा तो इसी से करूंगा, अन्यथा किसी से करूंगा नहीं। तीसरा जो युवक था, उसने कहा अब ये नहीं है, इसकी पिता की सेवा करता, क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं था, केवल एक पुत्री थी। तो तीसरा युवक पिता की सेवा में लग गया, पिता की सेवा करने चला गया। चौथा युवक ये था, उस चौथे युवक ने कहा क्या करूं, अब ये ही नहीं है तो मैं अब इसकी अर्थी पर ही बैठूंगा, इसकी यहीं पर बैठूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। ख्याल करना, पहला तो चला गया शादी करके निपट गया, उसने कहा अब ये नहीं तो और कोई। दूसरे ने कहा संन्यास लेता हूं, संन्यास लेने के बाद मंत्र साधना करूंगा, उसे जिंदा कर पुनः इसे विवाह करूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं इसके पिता की सेवा करता हूं, और चौथा ने कहा कि मैं तो यहीं रहूंगा क्योंकि अब ये नहीं है तो मैं किसके लिए जीऊं। ये चारों युवराज चले गए। संन्यास लेकर जो आया, उसने बेटी को जिंदा कर दिया, उसने साधना की, और उसने साधना करके उस लड़की को, युवती को जिंदा कर लिया। जैसी जिंदा हुई, जो तो चला गया था शादी करके वो तो क्या आएगा दोबारा, लेकिन तीनों खड़े हो गए। जिसने जिंदा किया, उसने कहा मैं अब इससे विवाह करूंगा। दूसरे नंबर पर जो पिता की सेवा कर रहा था, उसने कहा मैं विवाह करूंगा। तीसरे नंबर पर जो वहां अर्थी पर बैठा हुआ था, उसने कहा मैं विवाह करूंगा, मैं यहीं बैठा था, उसने कहा मैंने इसके पिता की सेवा की, और चौथे ने बोला मैंने इसे जिंदा किया इसलिए मैं विवाह करूंगा। बताओ उन तीनों में से किसके गले में माला डाली। एक के गले में माला डाली, जिसने जिंदा किया उसके गले में माला डाली, जो वहां बैठा था उसके गले में माला डाली, या जिसने उनके पिता की सेवा की थी उसके गले में माला डाली। जिसने जिंदा किया, क्योंकि वो दोनों तो उम्मीद छोड़ ही चुके थे, वो तो सोच रहे थे वो ये है नहीं है तो अब हम क्या किसके साथ रह पाएंगे। उसने कहा पिता की सेवा करो, एक वही बैठ गया। तो जिसने जिंदा किया उसके गले में, सही है क्या? अच्छा, जिसने पिता की सेवा की, क्योंकि जिंदा किया तो वो तो छोड़ के चला गया था, सन्यासी बन गया था, पिता अकेले ही रह गया था, उसने पिता का ख्याल ही नहीं किया। दोनों ने, जिसने पिता की सेवा की उसके अंदर थोड़ी सिंपैथी थी, क्योंकि ये हमारी होने वाली पत्नी थी, अभी अकेले इसके पिता रह गए हैं, तो उनने सेवा की तो माला उनके गले में डाली, सही है क्या? अब आप विचार करना, माला तो उसने डाली, जिंदा हुआ उसके गले में माला तो डाली, किसके गले में डाली? आज बताऊं या गुरु जी की चिट्ठी आ जाए तब बताऊं?
आप विचार करके रखना, हमारे पास अभी तीन ऑप्शन हैं। धूबरी हमारे पास ऑप्शन है, कलकत्ता हमारे पास ऑप्शन है, और एक समाज और ऑप्शन लेके रखी है, वो लेकिन गुप्त है। आप विचार करके रखना, ऑप्शन तो हैं तीनों, अब माला किसके गले में जाएगी, विचार करना। आज ही बता दू, हाँ आज ही बता दू, और मैं कह दू कि मैं कलकत्ता जा रहा हूं तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। आप विचार करके रखना, अगर मैं कह दू कि अब बहुत हो गए, पूर्वोत्तर में कलकत्ता की ओर उनकी भक्ति 20 साल से लगी है, उधर उड़ना करूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और मैं कलकत्ता वालों के सामने कहती हूँ कि मैं आपके यहाँ ही रुक रहा हूँ और यही पूर्वोत्तर में एक साल और रुक रहा हूं, तो आपके चेहरे प्रसन्न तो हो जाएंगे। पहले विचार करके रखना, लेकिन आप विचार करके रखना, पुण्य जब हमारे तीव्र होते हैं तो हमारे हर काम अच्छे हो जाते हैं। मेंढक भगवान की भक्ति करने जाता है और उसके पुण्य के उदय आता है, मरण हो गया हाथी के पैर से, फिर भी वो जाकर देव बन जाया करता है, ये पुण्य का उदय है। वो हम मेंढक ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं भगवान की भक्ति देव बनकर करूंगा। नाग और नागिन लकड़ी में जलने लगे, तड़पने लगे, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि होने वाले तीर्थंकर हमें उन पंच परमेष्ठी का स्मरण कराएंगे। और तीर्थंकर होने वाले पंच परमेष्ठी का पारस कुमार ने जब उन नाग और नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया तो पद्मावती धरणेन्द्र बन गए हो, तो वो आश्चर्य की बात। ये पुण्य आप विचार करना, सोचा नहीं होगा उन्होंने ऐसा पुण्य जागेगा। एक दिन चिड़िया ने किसी ने बच्चे को जन्म दिया होगा, वो बच्चा वहां से गिरा और नीचे आ गया। सब लोगों ने कहा ये तो गया, मैंने उसको अपने हाथ में लिया और मैंने कहा क्या हुआ? मम्मी से मिलना है, अपने माँ के पास जाना है, कुछ नहीं ऐसा लगा कि गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब माँ अपने बच्चे का जो जन्म होता है ना तो नाम रखाने मेरे पास लेके आती। मैंने कहा मैं तुम्हारा नाम रखता हूं। मैंने नमोकार मंत्र सुनाया और उसको नमोकार मंत्र सुनाकर हाथ फेरा उसके ऊपर और मैंने कहा आज से तुम पवित्र सागर हो गए, तुम पवित्र हो गए कि संतों के हाथ में आ गए हो तो तुम पवित्र हो गए। और जैसे ही उसने सुना पवित्र, वो उड़ी चिड़िया और आसमान में चली गई हो, तो वो आश्चर्य की बात नहीं है, सत्य घटना है। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, यूट्यूब पे पड़ा भी होगा, आप देखेंगे। तो विचार करना, कई कई बार ऐसे पुण्य उन ना समझ लोगों के भी आते हैं जिनके पास कोई समझ नहीं, वो भी बहुत कुछ कर जाते हैं। पुण्य का उदय हुआ, शेर सुदर्शन की सूली सिंहासन हो गई। पुण्य का उदय हुआ, अंजन चोर निरंजन हो गया। पुण्य का उदय हुआ, सोमा सती का नाग हार बन गया। पुण्य का उदय होता है तो आप विचार करके रखना, जिसका पुण्य, एक पुण्य कभी ये देखकर नहीं आता है कि ये छोटा है या बड़ा है, पुण्य कभी भी देखकर नहीं आता है। जिनके पुण्य होते हैं वो छोटे भी एक दिन बड़े हो जाएं तो वो आश्चर्य की बात नहीं है। और पाप का उदय आ जाए, ख्याल करो राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी के समोसन में बैठे हुए हैं, पाप का उदय आ गया, कहां चले गए? नरक चले गए। विचार करना, पुण्य और पाप की जब आज में तो फिर मैं सामायिक में चिंतन कर रहा हूं कि पुण्य कैसे जोर मारता है कि ना चीज को भी अद्भुत चीज बना देता है, और पाप कब उदय में आता है तो सब कुछ को भी ना कुछ बना देता है। पुण्य और पाप पर भरोसा रखना। पाप का उदय आया, राजा सैनिक भगवान के समोसन में 60,000 प्रश्न पूछे, लेकिन फिर भी पाप की वजह से नरक की ओर चले गए। विचार करना, पाप का उदय आया, जिन पारसनाथ ने उन धरणेन्द्र पद्मावती को नर्मोकार मंत्र नाग नागिन को सुनाया था, तो जब कमठ ने उपसर्ग किया तो वो शांत बैठे रहे। अब विचार करना, पाप का जब उदय आया, भगवान राम को भी जंगलों में बन बन में भटकना पड़ा। पाप का उदय आया, आदिनाथ को भी 6 माह तक आहार नहीं मिला,
ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि कभी बड़े लोगों का भी पाप का उदय आता है तो सब चला जाता है, और छोटे लोगों का भी पुण्य का उदय आता है तो सब कुछ मिल जाता है। कभी भी ये मत सोचना कि मेरे पास सब कुछ है तो मैं बहुत जीत गया। नहीं, कुछ भी नहीं। जब कभी ऐसा उदय आएगा तो कुछ भी नहीं बचता है विचार करना। लेकिन पाप के उदय आने के बाद भी सब भगवान कैसे बन गए? पाप के उदय आए फिर भी भगवान? केवल एक कारण से। पाप का उदय आया, सबने समत भाव रखा, मत भाव रखा। जब समता का भाव रखा तो समता के भाव से परमात्मा बन गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समता, समता कौन धारण कर सकता है? उल्टा करो समता का, तामस। जो तामस छोड़ सकता है, जो तामस को छोड़ सकता है, जो क्रूर परिणाम को छोड़ सकता है, वो ही समता को धारण कर सकता है। विचार करना, पुण्य के उदय से हमारे जीवन में सब कुछ होता है। चातुर्मास होने की प्रकष्ट भावनाएं आपकी हैं, चातुर्मास की प्रकष्ट भावनाएं आपकी हैं। कहां होगा चातुर्मास? मैंने लिख के रखा है, चातुर्मास आपके यहां होने वाला है। चातुर्मास आपके यहां होने वाला है। जो जो जहां के आए वहां सबके यहां होने वाला है। ख्याल करके रखना, चातुर्मास आपके यहां हो सकता है। जो लोग भी प्रकष्ट भावना भा रहे हैं, जो प्रकष्ट भावना भा रहे हैं, जो भी जहां से भी आए हैं, जिनको अपने धर्म की गुरु की प्रभावना अच्छी हो, आप विचार करना, उनके यहां चातुर्मास जरूर होने वाला है। उनके यहां चातुर्मास का जब तक भक्ति भावना है, श्रद्धाएं हैं, तब तक चातुर्मास आपके यहां जरूर होने वाला है। किसके यहां होगा, कैसे होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं। वहां तीनों को माला पहनाने के लिए, वहां पर तीन युवक, एक तो चला गया जिसकी शादी कर ली, अब पता नहीं कौन ऐसा होगा जो धोखा दे के शादी कर लेगा, लेकिन तीन थे। जिसने उस साधु बनकर मंत्र साधना करी और उसको जन्म दिया, क्योंकि अगर वो जिंदा नहीं होती तो शादी कैसे करते? आप विचार करके रखना, अगर वो जिंदा नहीं होती तो शादी कैसे होती? वो दोनों बैठी रहती। इसलिए जिसने जिंदा किया उसने उससे शादी नहीं की। क्यों? क्यों? क्योंकि जन्म देने वाला तो पिता होता है, इसलिए उसने जन्म लिया था तो उसने कहा आप मेरे पिता हो, पूज्य हो, क्योंकि आपने मुझे दोबारा जन्म दिया है, इसलिए माला में दोबारा नहीं पहना सकते हो, इसलिए वो तो पिता हो गया, उसे माला नहीं पहनाए। दूसरे नंबर पर जिसने पता की सेवा करी, भई रहा, वो तो चला गया, वो जिस पुत्री के लड़की के चक्कर में था वो तो लड़की के पास ही बैठा रहा, उसने देखा ही नहीं कि वो इनका पिता भी है, उसकी क्या करे, वो तो गई थी, कम से कम पिता की सेवा तो करता। तो जिसने पिता की सेवा की, विचार करना, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण था, शमशान में चला गया, उसके ऊपर कौन माला पहनाए, उसने इतना दिया, हम नहीं है तो कम से कम मेरा पिता का तो ख्याल रखो। तो जिसने पिता का ख्याल रखा, उस लड़की ने उसको माला नहीं पहनाई, क्योंकि पिता की सेवा करने वाला तो भाई होगा। उसने कहा तुम तो मेरे भाई हो, तुमने मेरे पिता की सेवा की है, तुम तो मेरे भाई हो, इसलिए माला तुम्हारे गले में नहीं जाएगी। अब माला किसके गले में जाएगी? आप विचार करके रखना, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, जब ये नहीं तो कोई नहीं। अब आप विचार करना, तुम पिता बनना चाहते हो, तुम भाई बनना चाहते हो, तुम पति बनना चाहते हो, या दूसरी मिल जाए उसके साथ लेकर गो टू। आप विचार करके रखना, अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी भक्ति,
अब इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज अब हम नहीं रहेंगे और हम जाएंगे नहीं, ख्याल करना। इसका मतलब है तन से कहीं रहो तुम, लेकिन मन तुम्हारा हमेशा तुम्हारे गुरु चरणों में रहना चाहिए। मन तुम्हारा, श्रद्धा तुम्हारी, भक्ति तुम्हारी हमेशा हमेशा, क्योंकि जब तक मन तुम्हारा गुरु भक्ति में नहीं रहेगा, और ये मन श्रद्धा आस्था समर्पण पूर्वोत्तर वालों का अगर पूरा दिल से रहा, तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे कलकत्ता वाले मेरे बहुत अच्छे हैं। वो इतना ही कहेंगे, महाराज अगर इनकी सबकी श्रद्धा आस्था समर्पण भक्ति पूरी अच्छी है तो आप एक और चातुर्मास पूर्वोत्तर को दो, हम एक साल और इंतजार करेंगे, क्योंकि आप बार बार पूर्वोत्तर में नहीं आ सकते हो। लेकिन पूर्वोत्तर वालों की श्रद्धाएं भक्ति, उनको ये लगता हो महाराज जबरदस्ती रुक रहे हैं, तो जबरदस्त काम करके दिखाया कलकत्ता वालों ने, वहां से सब लोग आ गए कि महाराज आप चिंता नहीं करना कि हम आपके साथ हैं, आप विचार करना। लेकिन एक बात मैं और कह रहा हूं, बड़ी तालियां बजाएंगे अभी आपने, बड़ी तालियां बजाएंगे आपने, ख्याल करके रखना। तुम तन से तो पास में हो, लेकिन वो कलकत्ता वाले मन से भी पास में हो तो वो आश्चर्य की बात नहीं है। उनकी श्रद्धाएं, उनकी आस्थाएं हम नहीं आप देख रहे हो। सबके सब हवाई जहाज फ्लाइट से आकर, फ्लाइट से आना बड़ा बेहतर नहीं है, लेकिन वो पूरे के पूरे भावनाओं से आ गए, मुझे इस बार चतुर्मास आपका चाहिए ही चाहिए है। तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं तैयार हूं। कलकत्ता वाले चाहे तो कलकत्ता वाले ले जाए मुझे, और पूर्वोत्तर वाले चाहे तो पूर्वोत्तर वाले ले जाए मुझे, मैं तैयार हूं आपके लिए। चातुर्मास तो करना ही है, बस मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्प दंत सागर जी महाराज जो अभी प्रभु में विराजमान हैं, उनके बिना मेरा पत्ता भी नहीं हिलता है, उनके बिना मैं अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाता हूं। आज वो है तो मैं हूं, अगर वो नहीं है तो मैं इस शरीर में नहीं रह सकता हूं। आप विचार करके रखना। आज जैसे हमारी कल्पना बहन ने कहा कि मन को मंदिर बना लिया, मन में पूजा करता हूं, मैं भी अपने गुरुदेव की मन में मंदिर बनाकर पूजा करता हूं। तुम उपस्थ में वो हमेशा दो लाइनें याद रखता हूं, गुरुदेव मेरी आंखों में बेतासीर हो जाए, नजर जिस चीज पे डालूं तुम्हारी तस्वीर हो जाए, नजर जिस चीज पे डालूं तुम्हारी तस्वीर हो जाए। तो आज मैं यहां पर इस बगे गांव में चातुर्मास के जो श्रीफल आज हमारे सभी लोगों ने पूर्वोत्तर भ्रमण के लिए श्रीफल तो चढ़ाया है, पूर्वोत्तर वाले से कहूंगा अगर मैं पूर्वोत्तर में आता हूं तो आप हमारे हैं, मैं पूर्वोत्तर में भ्रमण करूंगा, आपके यहां जरूर जरूर आऊंगा। कलकत्ता वालों ने चातुर्मास के श्रीफल चढ़ाया है, तो मैं इतना ही कहूंगा आप गुरु जी का आदेश लेकर आए, और जैसे ही गुरु जी का आदेश मिलता है मैं कलकत्ता की ओर बिहार कर वहां चातुर्मास करूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मेरा पूरा समाज को मंगल आशीष है, आपका जीवन मंगल में हो। किसका पुंजोर मारता है, अनिल जी ने कहा था मेरे हाथ में नहीं है, तो वास्तव में नहीं है, गुरु जी के पास से आशीर्वाद लेकर आओ। जो जितनी जल्दी आशीर्वाद लेकर आएगा वैसा ही हमारा चातुर्मास आपके हाथ में आएगा, आपके साथ में आएगा। वैसे तो भी बहुत समय है चातुर्मास के लिए, लेकिन फिर भी अगर कलकत्ता की ओर बिहार करना है तो मुझे जल्दी ही बिहार करना पड़ेगा, और अगर पूर्वोत्तर में लेना है तो मैं आपके साथ हूं, आपके पास रहूंगा। लेकिन दूर भी चला जाऊं तो आप इतना ही विचार करना, भूल मत जाना, है ना, इतना ही याद रखना, मैं आपका हूं, आपका था, आपका ही रहूंगा। अब तुम्हें मेरा बनना है, मेरे होना है और मेरे ही रहना है, तो आगे जरूर जरूर हम आपका साथ देखेंगे। सभी को मंगल में आशीष। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी।